Hi everyone, welcome to this video. This is Arti Mishra, one of the top and verified educator. आज के session में हम Tamil Nadu history book को complete करेंगे and आज हम लोग जो है अगला lesson cover कर रहे हैं जिसके अंदर हम जानेंगे कि जो Pallavas थे उनका administration, art, culture, society, economy कैसी थी. तो चलिए discuss करते हैं. इससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि हमारी Unacademy Plus की एक बहुत ही बढ़िया सी free class रही थी. उसका response बहुत अच्छा आया था. वो एक special series रही थी पर बहुत लोग उसको join नहीं कर पाए. तो इसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ यूपीएससी सीएसए प्रिपरेशन बाय अभिषेक सराफ. और ये जो अभिषेक सराफ हैं, सर ने AIR 8 रैंक हासिल की है 2019 में एंड उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है. ये एक फ्री स्पेशल क्लासेस की सीरीज है. इसमें उन्होंने पूरा बताया कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे ऑप्शनल चूज करना है, कैसे एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से प्रीलिम्स की तैयारी करें, कैसे मेंस की तैयारी करें, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, ये सारी बातें इन्होंने बताई हुई है. तो ये सारे वीडियोज़ जो हैं ये अवेलेबल हैं. अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है. आप इनके वीडियो ज़रूर देखिए, मतलब आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है. ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज. आपको मतलब प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन, पूरी जर्नी एक इंसान खुद बता रहा है जिसने 4 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है और चारों टाइम इन्होंने बहुत अच्छी रैंक्स हासिल की हैं. तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो चारों बार रैंक्स आई हैं वो कितनी बढ़िया आई हैं. तो 17, 18 में जो है इन्होंने ESE एंड CSE दोनों का एग्जाम क्रैक किया था. तो यू कैन सी हिज रैंक्स हियर. तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए. आप लोग इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो दिया गया है, यू मस्ट वॉच इट. चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का अगला लेसन. आज हम जानेंगे पल्लवास के बारे में. तो पल्लवास का आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और ये सारा जो स्कल्पचरल डेवलपमेंट था दैट वी विल डू. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है गाइस. टॉप 10 का रेफरल कोड कभी ना भूलें. ये आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के टाइम पे यूज़ करना है. इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है. प्लीज़ यूज़ टॉप 10 रेफरल कोड वेन एवर यू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट लेसन को. तो देखिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो इनका बहुत ही बढ़िया था, दैट वाज ग्रेट. लाइक बहुत ही बढ़िया आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, बहुत ही अच्छा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है. मतलब आप कहिए कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें. तो देखिए, ये सब चीज़ें जो होती है ना, आर्ट आपका फ्लरिश कर रहा है, सोसाइटी आपकी डेवलप कर रही है, आर्किटेक्चर अच्छे बन रहे हैं, ये कैसे होता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसके पीछे जो है ना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है. आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तभी तो आप आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट करोगे. तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन को समझिए. बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था. जो पल्लवा स्टेट है वो कोट्टम्स में डिवाइडेड था. ठीक है, तो कोट्टम क्या होते हैं? कोट्टम अलग अलग यू नो टेरिटरी को ये लोग कहते हैं. तो जैसे ये पूरा इनका राज्य है तो इस राज्य को इन्होंने अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है. एंड इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें हर एक कोट्टम का एक अपना अलग ऑफिसर होता था और राजा जो है वो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर होते थे और इसमें जो है जस्टिस जो है उनको देना है और ही इज़ लाइक द पावर, ही इज़ लाइक द वन जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा जस्टिस सबको संभाल रहे हैं. और वेल ट्रेन्ड आर्मी, आर्मी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी यहाँ पे. इसीलिए आप देखोगे साउथ इंडिया में इन्वेशन अटैक करना, कुछ भी करना इतना आसान नहीं होता था क्योंकि साउथ इंडिया पूरा कोस्टल इलाके से घिरा हुआ है. इनके पास नेवी भी अच्छी है, कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है और आर्मी इनकी बहुत वेल ट्रेंड होती थी, बहुत अच्छी होती थी. कोई लैंड रूट के थ्रू भी आकर के इतनी आसानी से इनको कैप्चर नहीं कर सकता था. अगर आप लैंड ग्रांट्स की बात करें तो इस समय में बहुत सारे जो रूलर्स थे, जैसे कि अभी हमने राज सिम्हा वर्मन के बारे में भी जाना, ये लोग जो है बहुत सारे लैंड ग्रांट्स देते थे टेम्पल्स को. तो जो टेम्पल्स को दी जाने वाली ज़मीन होती है, जो टेम्पल्स को दान में दी जाती है उसको देवधन कहा जाता था और जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली ज़मीन होती थी उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था. ठीक है, तो देवधन एंड ब्रह्मदेय ये दो प्रकार की ज़मीनें होती थी जो कि रिलीजियस पर्पज से दान में दे दी जाती थी. ये दो प्रकार के लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे. इरिगेशन फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो अ नंबर ऑफ इरिगेशनल टैंक्स वर देयर और इनको जो है पल्लवा किंग्स ने डग किया था और बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे जो है इरिगेशनल टैंक्स हमें देखने को मिलते हैं. तो जो इरिगेशनल टैंक्स थे इसमें आप देखेंगे जो महेंद्रवदी में जो टैंक है एंड जो ममनोडूर में जो टैंक है उसको आप देखेंगे कि वो महेंद्र वर्मन वन के समय में डेवलप किया गया था. तो आप समझ सकते हो कि जो राजा है वो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का क्रॉप फेलियर हो, फेमाइन हो,
प्रॉपर सिंचाई की सुविधा होगी तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, और इस एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को ये लोग जानते थे, फूड प्रोडक्शन को ये लोग समझते थे। सभास जो है हुआ करती थी, सभा इनकी एक असेंबली होती है। इस विलेज असेंबली में क्या होता है कि कमिटी होती है और ये लोग मिल करके देखते हैं कि भैया लैंड कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, क्या लोकल अफेयर है। तो सारा जो टेम्पल्स का मैनेजमेंट होता है, सारा जो लोकल लेवल पर काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सभा जो है अपने अपने गाँव में संभालते थे। सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो कास्ट सिस्टम जो है काफ़ी रिजिड हो चुका है। ब्राह्मण्स अभी भी सबसे ऊपर हैं। लैंड ग्रांट्स जो हैं वो राजाओं के द्वारा दिए जाते थे, और जो उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, नोबल्स होते हैं, वो लोग लैंड ग्रांट्स दिया करते थे। और आप देखेंगे कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि ये सिर्फ लैंड ग्रांट्स ना दे बल्कि टेम्पल्स को भी ध्यान दे कि टेम्पल्स कैसा चल रहा है, वहाँ पर कितना चीज़ हो रही है, क्योंकि टेम्पल इज़ अ पावर सेंटर है। वो वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती, कई सारे तो टेम्पल टाउन्स ही बन जाते थे। जैसे कहीं पे अगर एक बहुत अच्छा मंदिर है तो उस मंदिर के होने की वजह से जो आसपास का इलाका है वो एक अर्बन सेंटर में कन्वर्ट हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा आ जाती थी। लोग आ रहे हैं, विजिटर्स आते हैं, वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, लोग अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो दे ऑलवेज वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड टू दैट एरिया। तो जो पल्लवा पीरियड है इसमें आप देखेंगे कि शैविज्म का बहुत अच्छा राइज हुआ है, वैष्णविज्म का बहुत अच्छा राइज हुआ है। तो जो शिव संत होते हैं उनको नया कहते हैं, और जो विष्णु संत होते हैं उनको अलवार कहते हैं, और भक्ति मूवमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा सेंटर बना, कई सारे मंदिरों की स्थापना हुई। और इस समय में कहा जाता है कि थोड़ा सा बुद्धिज्म जैनिज्म का डिक्लाइन शुरू हो गया था। साथ ही आप देखेंगे कई सारे भजन जो है तमिल भाषा में लिखे गए हैं, और तमिल भाषा में भजन क्यों लिखे जा रहे हैं, क्योंकि देखो भक्ति मूवमेंट जब हुआ था तो अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस को यूज़ करके भजन लिखे जाते थे, ताकि लोकल लैंग्वेजेस को यूज़ करेंगे तो लोग उसको समझेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और उससे अट्रैक्ट होंगे। तो लोगों को समझ में जब तक कोई चीज़ नहीं आएगी तब तक उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो लोग किसी चीज़ में इंटरेस्ट लें, उसको समझें, उसको जानें, उसको इंजॉय करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आम लोगों की, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें। तो इसीलिए भक्ति मूवमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। लोकल लिटरेचर जो होता है ना, लोकल लैंग्वेजेस जो होती हैं, वो लोकल लैंग्वेज लिटरेचर्स जो है उसका काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन है वो पल्लवा किंग्स के द्वारा जो होता था उससे एक रास्ता खुला, एक नया वे ओपन हुआ फॉर दी स्प्रेड ऑफ टू रिलीजन्स। ठीक है, कौन से दो रिलीजन्स की बात हो रही है यहाँ पे? एक्चुअली बात हो रही है कि ये जो शैविज्म और वैष्णविज्म है ना, अलवार और नयनार, उनको, उनकी बात हो रही है। मतलब आप इनको सेक्ट बोल सकते हो, यू कांट से दैट इट इज़ अ रिलीजन, बट दिस इज अ सेक्ट, एक सेक्शन है। तो एजुकेशनल लिटरेचर की बात करें तो जो कैपिटल थी इनकी वो कांची में थी, और वहाँ पर जो है घटिका, घटिका जो जगह है ये एक बहुत पॉपुलर सेंटर था, यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी। और मयूर सरमन जो हैं ये फाउंडर थे कदम्बा डायनेस्टी के, इन्होंने जो है वेदास की स्टडी की थी कांची में, एंड कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी। जो दिनगंगा ये बुद्धिस्ट राइटर थे, वो भी कांची से पढ़े हुए थे। धर्मपाल जो कि बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड बनते हैं, वो भी कांची से थे। इसके बारे में तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, धर्मपाल के बारे में, जब हम लोग जो है लास्ट टू वीडियो से पहले अगर आप देखोगे तो मैंने उसमें आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो थी और कैसे उसके अंदर जो है सारा काम होता था। अच्छा, यहाँ पे एक भैरवी नाम के ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे जो कि इसी टाइम में जो है रहे थे, जो सिम्हा विष्णु के टाइम में रहे थे। और डांडिन एक और संस्कृत राइटर थे जो कि नरसिंह वर्मन सेकेंड, जिनको कि राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, उनके दरबार में रहे थे। महेंद्र वर्मन वन ने संस्कृत में एक प्ले है जिसे कंपोज किया था, जिसका नाम है मत्तविलास प्रहसनम। ये एक बहुत लंबा चौड़ा नाम है, बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी ही पड़ती हैं। तमिल लिटरेचर जो है ये बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। तो आप देखो, संस्कृत भी डेवलप हो रहा है, प्राकृत भी डेवलप हो रहा है, तमिल भी डेवलप हो रहा है। और तमिल जो है वो एक पैट्रोनेज की वजह से इसको इतनी लेजिटिमेसी मिल जाएगी कि ये एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में ग्रो हो जाएगा। जो नयनार और अलवार थे उन्होंने कई सारे तमिल लैंग्वेज में जो भजन है उनको लिखा था। इसके अलावा जो देवरम है इन्होंने कंपोज किया था बाय नयनार्स, एंड इसके अंदर जो है ये जो कंपोजिशन है ना, ये एक प्रकार की रचना है जिसको लोग सुनते थे और बहुत ही स्पिरिचुअली अपने आप को वो अपलिफ्ट करते थे। अलवार्स के द्वारा जो है नलय दिव्य परम बदम, ये एक कंपोजिशन थी जिसको कि अलवार्स ने कंपोज किया था।
देखिए गाइज, अगर मैं कहीं पे भी गलत प्रोनाउंसिएशन करती हूँ और ऐसा आपको लगता है कि कुछ मैं इधर उधर बोल देती हूँ, तो उसको जो है लाइटली लीजिएगा, क्योंकि जो है कई बार बोलते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए, व्हेन वी डू द रिकॉर्डिंग्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ थिंग्स, वी बिकम कॉन्शियस. ठीक है, तो अभी क्या होता है कि आप लोग तो सुन रहे होते हैं, बट आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, तो मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ. तो उस समय में हो सकता है कि मैं कोई चीज़ को ठीक तरीके से, सही तरीके से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है किसी अगर वर्ड को बोलने की, तो ऐसा हो सकता है. तो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है, डोंट गेट ऑफेंडेड ऑफ इट लाइक एनीथिंग, जस्ट रीड द वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू गेट इट. ठीक है, इसके अलावा जो है पेरुन देवनर थे, ये जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया था, जो महाभारत है ना, महाभारत को ट्रांसलेट किया था इन्होंने, और इसको इन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया था एज भरत वेंबा. तो तमिल में ये जो है इन्होंने किया था, एंड इनको पैट्रोनाइज किया था नंदी वर्मन सेकेंड ने, जो कि आखिरी जो पल्लवा रूलर्स थे ना, आखिरी जो चार पांच रूलर्स सक्सेसर्स आए थे, उसमें से एक थे ये. अच्छा, नंदी कलम बगम है जो कि एक और इम्पॉर्टेंट वर्क था, और इसके ऑथर कौन है ये अननोन है, नोबडी नोज, बट दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. म्यूजिक और डांस भी काफ़ी डेवलप हो रहा था इस पीरियड में. ठीक है, पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, तो टेम्पल बिल्डिंग का जो है ये बहुत बड़ा समय काल था. इन्होंने आर्ट का जो है टेम्पल्स का, एक्सकवेटिंग द टेम्पल्स एंड रॉक्स में से मंदिर काट काट के बनाना इन्होंने शुरू किया, और जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो यहीं से शुरू होता है, पल्लवा रूल से वो स्टार्ट होता है. लेकिन उसका जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था वो चोलाज के अंतर्गत हुआ था, क्योंकि जब 10th सेंचुरी में चोलाज आ जाएंगे, देन दे वुड बी डेवलपिंग दी द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. और आप देखोगे कि कैसे, मतलब एक मोनोलिथिक रथ वाले टेम्पल हैं, फिर धीरे धीरे वो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में कन्वर्ट हुए, और स्ट्रक्चर के पूरे जिसमें एक पूरा टेम्पल है आपका, एक प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद असेंबली हॉल है, ऊपर शिखर है, गर्भगृह है, हर एक चीज़ जो होती है एक रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल में वो आ गई. तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट पल्लवास के अंदर हुआ, इसके चार स्टेजेस है. पहला स्टेज है जब महेंद्र वर्मन वन आए, उन्होंने सिर्फ रॉक कट टेम्पल्स बनवाए. इसमें आप देखोगे कि जैसे कि मंडकपट्टू है, महेंद्रवदी है, ममांदुर है, दलवनुर है, तिरुचिरपल्ली है, देन वल्लम, सीएम मंगलम एंड तिरुकालुकरुनम, ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पर मंदिर बनाए गए थे, और ये महेंद्र वर्मन वन के द्वारा यहाँ पर रॉक कट टेम्पल्स को बनाया गया था. आपको एक एक जगह, एक एक प्लेस को एकदम रटने की जरूरत नहीं है, आप एक दो प्लेसेस याद रखिए और पढ़िए, चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, पढ़ना है, ताकि आपको ना एक आइडिया रहे कि ये जगह क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. जो मोनोलिथिक रथ हैं और जो मंडप्स हैं, ये हमें ममालपुरम में मिले हैं, जो कि नरसिम्ह वर्मन वन के द्वारा बनवाए गए थे. और जो पाँच रथ है, जिनको पॉपुलरली पंच रथ वाला जो है ना टेम्पल कहा जाता है, पंच पांडव रथ कहा जाता है, तो ये जो है ये बहुत पॉपुलर था. इसमें बहुत ही, मतलब आपको की चीज़ों का मिक्सचर है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स को हमने देखा, डिफरेंट तरीके के चीज़ों को डेवलप होते हुए हमने देखा, विच इज़ वेरी वेरी गुड. जो मंडप है उसमें ब्यूटीफुल स्कल्पचर है उनके वॉल्स पर, और जो मोस्ट पॉपुलर है इसमें वो है महिषासुर मर्दिनी मंडप, यानी कि महिषासुर मर्दिनी यानी कि दुर्गा माता का ये जो है एक मंडप था, ये एक टेम्पल था. एंड तिरुमूर्ति मंडपम भी है, वरह मंडपम भी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है मूर्तियां थी जिनका निर्माण उस टाइम में होता था. राजसिम्हा ने जो है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने सॉफ्ट सैंड रॉक्स का यूज़ किया था, जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची का है, श्योर टेम्पल जो ममालपुरम का है. और इसके बाद जो है लास्ट स्टेज जो है उसमें आप स्ट्रक्चरल टेम्पल को और डेवलप होता हुआ देखते हैं, जैसे कि वैकुंड पेरुमल टेम्पल है, मुक्ते श्वर टेम्पल है, एंड मतंगेश्वर टेम्पल है, कांचीपुरम का जो मंदिर है, ये सब आर्किटेक्चर सीनी के अंदर हुए. तो आप देख सकते हो कैसे है. तो शुरुआत में तो रॉक कट टेम्पल थे, धीरे धीरे ये रथ वाले सेक्शंस में टेम्पल आने लग गए, और धीरे धीरे फिर आप देखोगे कि जो पंच पांडव रथ है वो आया. धीरे धीरे आप देख सकते हो किस तरीके से मंदिर जो है इम्प्रोवाइज होते जा रहे हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं. स्कल्पचरल डेवलपमेंट के लिए इनकी एक ओपन आर्ट गैलरी थी ममालपुरम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मॉन्यूमेंट के लिए स्कल्पचर्स बन करके जाते थे. और जो फिर इसके बाद आप देखते हो ना, जो गैंग्स हैं उनके डिसेंट थे, जो कि आप कह सकते हैं जिसमें अर्जुन जो तपस्या कर रहे हैं, और वो जो एक पूरा एक पर्टिकुलर दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है यहाँ पे रूलर्स ने रूल किया, और किस तरीके से मतलब वो लोग जो है तपस्या करते थे, उसको भी स्टोन में इन्होंने पेंट किया है. फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है ना, प्लास्टर पे पहले पेंटिंग होती है, वेट प्लास्टर पे पेंट किया जाता है और बाद में वो पक्का हो जाता है. ठीक है, और ये सारे जो स्कल्पचर्स हैं इसमें आप देखोगे बहुत माइन्यूट डिटेल है, बहुत बारीकी से बहुत नक्काशी अच्छी की गई है,
और इसके बहुत सारे अलग अलग थीम्स हैं। इसमें जो है एक लाइव स्पीकिंग मंकी है, एलिफेंट है, बहुत बड़े बड़े साइज की चीज़ें हैं, एक एसेटिक कैट है। तो मतलब आप देखो अलग अलग प्रकार के जो एनिमल और ह्यूमन फिगर हैं उनका यूज़ किया गया है स्कल्पचर्स बनाने के लिए, और उन स्कल्पचर्स के द्वारा मंदिरों को और मॉन्यूमेंट्स को सजाया जाता था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फाइन आर्ट्स के बारे में जान जाएंगे। तो जो फाइन आर्ट्स है ये इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इस समय में म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ था। और जो इंस्क्रिप्शन है उसमें अगर आप देखो तो ममांदुर इंस्क्रिप्शन है, इसमें जो है वोकल म्यूज़िक के बारे में बताया गया है। एंड कुडुमनई मलई इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि म्यूज़िकल नोट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है। अलवर नयनार ने जो बहुत सारे भजन गाए उसके म्यूज़िकल नोट्स हैं, उसको कैसे गाना है उसका एक पूरा यू नो एक सुर है, एक ताल है। डांस ड्रामा भी काफ़ी डेवलप हुआ। स्कल्पचर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि डांसिंग पोस्चर्स दिखाए गए हैं, त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर भी है, और भी दूसरे जो उस समय के अंदर जो डांस चलते थे उनका पोज, वो सारे डांस पोस्चर्स हमें स्कल्पचर्स में देखने को मिलते हैं। सितना वासल पेंटिंग में जो है हमें देखने को मिलती है कि काफ़ी अच्छे से डांस फिगर्स हैं, और उसमें जो है लोगों का एक यू नो सोशल जो उनका एक मेंटेलिटी थी वो मेंटालिटी इस चीज़ से देखने को हमें मिलती है। और जो कमेंट्री है जिसे हम दक्षिण चित्र कहते हैं ये कंपाइल की गई थी महेंद्र वर्मन वन के समय में, जिनको कि चित्रकार पुली भी कहा जाता है। तो फाइन आर्ट्स का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हमने देखा। तो ये सारी बातें थी जो कि हमने पल्लवा डायनेस्टी के बारे में जानी। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।